दिल्ली के भारत मंडपम में जीपीआई समिट 2023 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव रहे मौजूद, पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म में 29 सदस्य देश हैं शामिल, 50 से अधिक जीपीएआई विशेषज्ञ और 150 से अधिक वक्ता शामिल। डिजिटल इंफ्रा की तरह एआई के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म लाने की तैयारी, दुनिया भर के टेक एंथुजियास्ट और स्टेक होल्डर्स हिस्सा ले रहे। दुनिया में एआई पर चढ़ी बहस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा डिबेट से सकारात्मक और नकारात्मक पहलू आ रहे सामने। एआई के प्रभाव को लेकर बोले प्रधानमंत्री, कहा वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां कोई भी एआई के प्रभाव से नहीं छूटी। प्रधानमंत्री मोदी ने सतर्कता और सावधानी से आगे बढ़ने पर दिया जोर, कहा इस समझ से निकले विचार सुझाव पूरी मानवता के मूलभूत मूल्यों को दिशा देने का काम करेंगे। एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बोले प्रधानमंत्री, कहा एआई में भारत के तकनीकी परिदृश्य में क्रांति लाने की क्षमता। विकास और तबाही में एआई की भूमिका पर भी बोले प्रधानमंत्री, कहा 21वीं सदी में विकास के लिए सबसे बड़ा टूल बन सकता है एआई और 21वीं सदी को तबाह करने में भी निभा सकता है सबसे बड़ी भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा डीप फेक का चैलेंज पूरी दुनिया के सामने, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट, आतंकियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा। 14 दिसंबर तक चलेगा जीपीएआई समिट, सेशन में एआई के बेहतर इस्तेमाल पर होगी चर्चा। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजनलाल शर्मा, बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला, 15 दिसंबर को शपथ लेंगे भजनलाल, उसी दिन है उनका जन्मदिन भी। राजस्थान में भी होंगे दो डिप्टी सीएम, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा होंगे उप मुख्यमंत्री। राजस्थान में विधानसभा के स्पीकर होंगे वासुदेव देवनानी, अजमेर नॉर्थ से विधायक वासुदेव देवनानी 2003 से लगातार पांचवीं बार बने विधायक। सीएम वसुंधरा राजे ने रखा था भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव, सर्वसम्मति से भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। राजनाथ सिंह के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने दी बधाई, भजनलाल शर्मा ने केंद्र और प्रदेश का जताया आभार। राज्यपाल से मिले भजनलाल शर्मा, हाथ जोड़कर राज्यपाल का किया अभिवादन, डिप्टी सीएम बनी कुमारी, पूर्व सीएम वसुंधरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा, जयपुर की सांगनेर सीट से हैं विधायक, पार्टी ने मौजूदा एमएलए का टिकट काट कर दिया था, टिकट संघ की पृष्ठभूमि से आते भजनलाल। ब्राह्मण परिवार से भरत ताल्लुक रखते हैं भजनलाल, भरतपुर के रहने वाले, प्रदेश में महामंत्री के तौर पर काम किया। बीजेपी दफ्तर में बधाई देने वालों का तांता, भजनलाल शर्मा के समर्थकों में खुशी की लहर। भजनलाल शर्मा के राजस्थान के सीएम चुने जाने पर भरतपुर में जश्न का माहौल, भजनलाल शर्मा के माता पिता के चेहरे पर खुशी। बीजेपी कार्यालय में राजस्थान के मनोनीत सीएम भजनलाल शर्मा ने समर्थकों से मुलाकात की, सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। बीजेपी दफ्तर के बाहर फोड़े गए पटाखे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्रीराम के साथ लगाए भजनलाल जिंदाबाद के नारे। भरतपुर में बीजेपी समर्थकों ने भजनलाल शर्मा के पिता को बधाई दी, लहरा बीजेपी का झंडा फोड़े पटाखे। डिप्टी सीएम चुने गए प्रेमचंद बैरवा के गांव श्रीनिवासपुर में जश्न, डीजे पर झूमा पूरा गांव, जमकर हुई आतिशबाजी। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर चुने गए वासुदेव देवनानी के समर्थकों में उत्साह, अजमेर में बजे ढोल नगाड़े, फोड़े पटाखे। मध्य प्रदेश में बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह भोपाल में सुबह 11:30 बजे, डॉक्टर मोहन यादव नए सीएम पद की शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश में दो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम के पद की लेंगे शपथ। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए गठबंधन के कई नेता शामिल होंगे। मोहन यादव का उनके घर पर फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत, बधाई देने और शुभकामनाएं देने वालों का लगा तांता। भोपाल में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोहन यादव से मुलाकात की, सीएम बनाए जाने पर बधाई दी।
मध्य प्रदेश में नए सीएम मोहनलाल के नाम के ऐलान होने के बाद उनके परिवार में खुशी। सुल्तानपुर में उनके ससुराल में बांटी गई मिठाई, बजे ढोल नगाड़े। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की नई सरकार, बुधवार को लेगी शपथ, दोपहर 2 बजे होगा समारोह। छत्तीसगढ़ में भी होगी डबल इंजन की सरकार, बृज शर्मा और अरुण साव लेंगे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। दोनों सीएम के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जा सकते हैं। विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज, जयपुर साइंस कॉलेज मैदान में लगाए जा रहे टेंट और कुर्सियां। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सवाल पूछने पर भड़के फारूख अब्दुल्ला, बोले जहन्नुम में जाया जम्मू कश्मीर। बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन, कई मुद्दों पर होगी चर्चा, 6ठे दिन राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक पारित। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किया नया आपराधिक कानून संशोधन बिल, 14 दिसंबर को होगी चर्चा। लोकसभा में पास हुआ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, इसमें महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान। नेहरू पर अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेसी आक्रमक, बोले राहुल गांधी मुद्दे को भड़काने की कोशिश, नेहरू जी ने देश के लिए पूरी जिंदगी दी। आप सांसद संजय सिंह ने कोर्ट से कहा उन्हें 14 दिसंबर को संसदीय विशेष अधिकार समिति के सामने होना पेश, 21 दिसंबर तक बढ़ाई गई हिरासत, पुनर्विचार याचिका पर 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6ठी बार भी स्किप किया ईडी का समन, पहले भी कर चुके अनदेखी। चंडीगढ़ में सीएम की तीर्थ यात्रा योजना के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का वक्त दिया। सीबीआई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की जारी की डेटशीट, 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक होंगे एग्जाम। कोटा श्रीनिवास रेड्डी नए हैदराबाद सीपी बनाए गए, संदीप शांडिल्य को तेलंगाना राज्य नार्कोटिक्स ब्यूरो का निदेशक बनाया गया। जयपुर में गोगामणि हत्याकांड में लेडी डॉन की एंट्री, वेपन पेडलर पूजा सैनी और पूजा बत्रा को किया गया गिरफ्तार। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 351 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद, बीजेपी का कांग्रेस पर लगातार हमला। मध्य प्रदेश में एमएलए कोच के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता जयाप्रदा की गिरफ्तारी के आदेश, आचार संहिता उल्लंघन के केस में जयाप्रदा की कोर्ट में गैर हाजिरी से जुड़ा है मामला। कोर्ट ने रामपुर के एसपी को दिया आदेश, जयाप्रदा को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करें, 5 बार गैर जमानती वारंट के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुई है जयाप्रदा। देहरादून में बेघर लोगों से मिले सीएम धामी, सर्दी से ठिठुर रहे लोगों को वितरित किए कंबल। मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सेवा शर्तों को नियमित करने वाला बिल राज्यसभा में पास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 14 दिसंबर को बुलाई विधायक दल की बैठक, नेता प्रतिपक्ष के नाम पर लग सकती मुहर। एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर ने किया दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा, अधिकारियों से मुलाकात की। गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया ड्रग्स की बढ़ती तस्करी को देखते हुए महाराष्ट्र में बनेगी मादक द्रव्य विरोधी टास्क फोर्स। वाराणसी में शंकराचार्य अभिमुक्तानंद का बड़ा बयान, कहा जब तक नहीं बनेगा गौरक्षा कानून हम रामलला को मुंह नहीं दिखाएंगे, नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में।